लेना तो तुझे लेना, शर्म आ रही है, कुछ शर्म आ रही है, ये करवा रही है, देख ले पछताएगी एक दिन, तू पछताएगा, तू पछताएगा, तेरे बेटे को पता लग गया, तेरे बेटे को पता लग गया बहू के साथ ऐसे कर रहा है, और बहू ऐसे कर रही है, नहीं कट आउट, नहीं वायरल मत करो प्लीज, मेरी एज देख रही है, जो मैं कहूंगा वो सच होगा और सभी मानेंगे मुझे, ठीक है आप हटो तो मेरी बात तो सुनो। हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरवी रॉक स्टाइल में। तो पहले तो आप रो मत, चुप हो जाओ। तो दोस्तों, आप जैसे ये लड़की को देखो, काफ़ी देर से रो रही है। इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरी हेल्प करो, मेरे ससुर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो अब इनसे सारी दिक्कत पूछ लेते हो। तो पहले रो मत, अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। तो नेहा जी, क्या दिक्कत होगी जिसके लिए आप हमारे पास आए हो? बहुत बड़ी दिक्कत हुई है भैया, मुझे मेरे हस्बैंड वो हमेशा बीमार रहते हैं। अभी हमारी शादी को 6 मंथ ही हुए हैं। 6 मंथ क्या हुआ आपके हस्बैंड को? पता नहीं उनको क्या बीमारी है, अभी इलाज ही चल रहा है उनका। डॉक्टर ने बोला है लंबे समय तक इनको मतलब दवाई चलेंगी इनकी। अच्छा। वो अब यहाँ तो इस चीज़ का फ़ायदा मेरे ससुर उठा रहे हैं, बोलते कि जैसा मैं बोलता हूँ ऐसे रहे। उन्होंने कुछ मेरी बाथरूम में वीडियोज़ बना ली है। अच्छा, वीडियो बना ली है तुम्हारी? वीडियो बना ली है और उस चीज़ को दिखा दिखा के ब्लैकमेल करते हैं मुझे। ऐसे कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं कि मेरे सामने ऐसे ऐसे कपड़े पहन। अच्छा। मुझे बहुत परेशान कर रखा है, बस आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं उसमें। तो आपने अपने वो सासू माँ को बताने की कोशिश नहीं करी? सासू माँ नहीं है मेरी। सासू माँ नहीं आपकी? नहीं। ओके, तो गाइस, जैसे इनकी दिक्कत है ये कि इनके ससुर इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इनके ससुर इन पर वो करेंगे तुम्हारे साथ। अब मैं क्या बोलूँ भाई कि मेरे साथ एक रात के लिए, क्या बोल के शर्म आ रही है मुझे बोलते हुए कि मेरे साथ एक दिन के लिए हो जाओ। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इन्होंने क्या किया, उसको पुलिस में देने का सोच लिया पक्का, क्योंकि वो बहुत, आपने समझाने की कोशिश करी है ना? बहुत समझाया, लेकिन भैया मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड बीमार है, बहुत परेशान हूँ मैं बस। समझ गया। तो इन्हें चाहिए सबूत, सबूत के लिए हमारे पास आए हैं। तो देखो, आप अपने हस्बैंड अपने ससुर को कॉल करो और बोलो कि मैं आपको, ससुर जी आप यहाँ पर आओ, जो आप चाहते हो मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी, और प्लस आप आओ, और प्लस मैं अपने दोस्त के यहाँ पे आपको बुला रही हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है? ये लो नंबर लगा के आप डायल करके बात करो, ठीक है? डायल करो नंबर। यार दोस्त, बहुत गलत चीज़ है यार ये चीज़ की। यार एक बाप जैसा होता है ससुर, वो ऐसे कर रहा है। हेलो। हाँ पापा जी। हाँ, मैं अपने ना फ्रेंड के फ्लैट पर आई हुई थी, जो आपने मुझे ड्रेस दी थी वही पहन के आई थी मैं। हाँ, तो मैं यहाँ अकेली हूँ, आप आ जाओगे? हाँ, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, आप आ जाओ। ठीक है पापा जी, लोकेशन भेज रहा हूँ। तो गाइस, उसको बुला लिया, बुड्ढे को देखते कितनी ठरक है, उसकी ठरक मैं निकालता हूँ आज, पता लगे दोबारा ना। अब किसी को बोलने से पहले या सोचने से पहले भी ना दिमाग में ऐसी सोच लाने वाले सोचेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो आने दो, वेट करते हैं, और क्या उसकी भड़ास है उसकी भड़ास मैं निकालता हूँ। तो आप परेशान मत हो, कैमरा हमने लगा रखा है, मैं दूसरे कमरे में। देखो, हमें चाहिए सबूत, अगर उसे पता लग गया कैमरा मैं हूँ तो वो बिल्कुल बिल्कुल शरीफ हो जाएगा। बिल्कुल आप परेशान मत हो। देखो, कुछ वीडियोस के लिए थोड़ा सा आपको डर लगता है कि वो, देखो आप लड़की हो, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है? आप हिम्मत रखोगे तो ही वीडियो हो पाएगी, ठीक है? आप परेशान मत हो। तो गाइस, वीडियो बने रहो, आने दो उसको, उसके बाद देखो क्या होता है क्या नहीं होता। वेट एंड वॉच। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। गए आप? हाँ। आज वो कोई है तो नहीं? नहीं, कोई नहीं, बैठ जाओ। आओ। हाँ आ रही हूँ, आप बैठो। बैठो। मैं बैठ रही हूँ ना पापा जी, आप बैठो। तो अरे बैठो, तुम भी तो बैठो। हाँ मैं बैठ रही हूँ। वैसे वाकई में बहुत अच्छी लग रही हो तुम इसमें। वो चीज़ ठीक है, लेकिन पापा जी वो वीडियो वगैरह डिलीट कर दो ना आप। कर दूंगा डिलीट। तो अभी कर दो ना मेरे सामने। आपने मुझे बोला मैं रेडी हूँ ना, देखो वही कपड़े पहने जो आपने मुझे दिए हैं, लेकिन वो वीडियो प्लीज डिलीट कर दो। ठीक है, मैं आ रही हूँ पापा जी, लेकिन सुनो पापा, सुनो तो पहले वो वीडियो वगैरह आप डिलीट कर दो। मैं डिलीट कर दूंगा, बैठो। मैं बैठी हूँ, आप पहले वीडियो प्लीज, वो फोटो वीडियो डिलीट कर दो पापा जी। अच्छी लग रही हो आज मुझे, देखो। हाँ, इसीलिए आप हटो तो मेरी बात तो सुनो। सारी बात मानो तो। अरे आओ तो, तुम मेरी बात नहीं सुनी क्या? मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपसे तैयार हूँ जो आप बोल रहे हो करने के लिए, लेकिन वो फोटो वीडियो डिलीट कर दो आप मेरी। बार बार मुझे धमकी देते रहते हो कि वायरल कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम। तो आप मुझसे बार बार क्यों धमकी दे रहे हो मुझे कि वायरल कर दूंगा? अरे मेरी तो सुनो, मैं आपकी बेटी की बराबर हूँ ना। फिर बेटी का क्या मतलब है? देखो तुम कितनी सुंदर हो। सुंदर से मतलब नहीं होता, हमारा रिश्ता देखा है ना, हमारा रिश्ता क्या है?
मैं आपके बेटे की बहू हूं। तुम्हारे मेरे बीच की बात कौन जान रहा है? तो वो गलत है ना। और फिर सबसे बड़ी बात, बेटा बीमार है, तुम भी तो परेशान रहते हो, तुम्हारा भी मन होता होगा कोई ना कोई बात को, तुम सोचती होगी। उस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ, मैं बस उनसे, मेरी शादी हुई है ना, मेरी शादी उनसे हुई है ना। मना कर रहा हूँ, वो चीज समझ में नहीं आ रहा। नहीं पापा जी, ये सब चीज गलत है, ये रिश्ता गलत है। उस बात को सुन। नहीं पापा, देखो मेरी शादी आपके बेटे से हुई, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मार क्यों रहे हो? समझा रहा हूँ ना मैं बोल रही हूँ ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले वो फोटो वगैरह डिलीट कर दो। आप रिश्ता तो देखो हमारा क्या है, मैं आपकी बेटी, आप मेरे बाप की उम्र के हो पापा जी, इतनी तो शर्म करो। किसी को पता चलेगा, किसी को पता चलेगा कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ आपको शर्म आनी चाहिए, छोड़ो मेरा हाथ। इतनी सुंदर है तू, देख तो अपने आप को, जब से तुझे देखा मेरा दिमाग तो बस तू ही तू छाई हुई है। प्लीज पापा जी मुझे जाने दो, फोटो वीडियो डिलीट कर दो। मैं काट दूंगा। मैं बोल, नहीं समझ में आई तेरे, नहीं समझ में आई, बोल रही हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुनी नहीं तो मैं कैसे डिलीट कर दूँ? सुन रही हूँ आप, मारो, वायरल करता हूँ फिर मैं। नहीं 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 करता हूँ बाबूजी, नहीं नहीं करता हूँ, नहीं वायरल मत करो प्लीज। मेरी एज देख रही है? जो मैं कहूँगा वो सच होगा और सभी मानेंगे मुझे, ठीक है? नहीं मानेगी। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या गलत कर रहा हूँ ये बताना मुझे। बात समझ, क्यों दुखी कर रही है? बुलाया मुझे अपने आप को मेरा मूड ऑफ कर रही है। छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं बुला के मेरा मूड क्यों ऑफ कर रही है मुझे बता। प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर वही बात, छोड़ दो प्लीज पापा जी, मुझे जाने दो। मैं कह रहा हूं मैं, जाने दो। अरे कह रहा हूं, नहीं मुझे जाने दो। अरे बेकार परेशान कर रही है। हां बस बस, इधर इधर क्या चल रही है? यही तुम्हारा ससुर, यही ससुर। हां भैया यही है। कौन है? आ तो जा, कर क्या रहा तू यहां पर? है कौन? कर क्या रहा तू? है कौन? कर क्या रहा तू यहां? तू है कौन? मैं बताऊंगा, इसका भाई हूं मैं, इसका भाई हूं। तू मुझे किस तरह का कर क्या रहा यहां पर? कर क्या रहा है? पीछे का कर क्या रहा तू यहां पर? ये करवा रही है, देख ले पछताएगी एक दिन। तू पछताएगा। तेरे बेटे को पता लग गया, तेरे बेटे को पता लग गया बहू के साथ ऐसे कर रहा है, और बहू ऐसे कर रहा है। शर्म आ रही तुझे? शर्म आ रही कुछ? मॉडल जमाना क्या? सीनियर सिटीजन का फायदा, सीनियर सिटीजन का फायदा उठा रहा है। मार क्यों रहा है? मैं तो मार रहा है, याद रखियो, तो घसीट घसीट के मारूंगा। पहले बताओ बहू है तेरी, घर की लक्ष्मी है, तू उसके साथ ऐसा कर रहा है? शर्म आ रही कुछ? शर्म आ रही नहीं आ रही बता पहले भैया। वो फोटो वीडियो डिलीट करवा दो, बार बार वायरल करने के लिए। नहीं देगा फोन? नहीं दे रहा फोन? नहीं देगा? नहीं देगा। सोच ले, सोच लिया, सोच ले, फोन दे, ये लो फोन। अब बता, इतनी ठरकपन भरी भरी तेरे अंदर है, इतनी ठरकपन की बहू का बहू बहू भूल गया, फोन दे भूल गया, बहू भूल गया, फोन दे दिया ना। जो तूने कर्म किया है, तू तो कर्म कांड की, उसका क्या करूंगा है? और वो कर्म कांड सीधे पुलिस में दूंगा कहीं बुद्धे को। देख इधर, देख ले, सीनियर सिटीजन ना, सीनियर सिटीजन की तेरी इज्जत तो मैं करूंगा। इसे बेटा पूरी वीडियो बन गई है, इस वीडियो का पुलिस स्टेशन लेके जाना है। हाँ। इसे बंद कर। क्या भैया, क्या भैया, इन्होंने मेरा बहुत फायदा उठाया है, बहुत जबरदस्ती कर ना, इसे बंद कर लो, दो रैपर दो इसके अंदर, रैपर दो, ऐसा दो ना, याद रखिए ये ऐसा दो। सारा मान लीजिए, तो मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं, इसीलिए शादी करके लगी। तो तुम मजे ले सकते हो, तुम मजे रो, अब रो और शर्म आ रही। अब भाई इसे बंद कर लो, गलती हो गई, गलती पहले ही गलती सोचे, गलती हुई है अकेला समझ के ऐसे कपड़ों में कपड़े मुला कर, करके दिखा मुझे। ये गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, कान पकड़ लो, मैं गलती हो गई, कहां पे जाएगा, बदनामी हो जाएगी मॉडल में। बदनामी तो तूने वैसे ही कर रखी है, वो तो डर के मारे तेरे पास नहीं आएगी। भाई मैं माफ कर, तुमसे माफ कर सकते हो? नहीं कर पाओगे? नहीं भैया, मैं कभी नहीं करूंगी इसे माफ। चल इज्जत, चल पुलिस स्टेशन, चलो इज्जत, चल चल, और लेके फोन ले, फोन ले लो, फोन लेके आओ, चलो चलो पुलिस स्टेशन।